कंटिन्यूटी, ये हेलो बच्चों बोलने वाला काम अरमान को दे देते हैं। जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ करेगा अरमान बोला करेगा हेलो बच्चों, है ना। कंटिन्यूटी, तो मैं बता रहा था आपको अभी कि लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट ए, तो हम कहते हैं कि लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, किसी पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आती है, देन हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट। और उसको कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, राइट। ये जो भी वैल्यू आएगी वही फंक्शन की लिमिट होगी। बच्चों लिमिट एग्जिस्ट करने के साथ साथ अगर फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, किससे डिनोट करेंगे फंक्शन की वैल्यू को एट उस पॉइंट पे, एफ ऑफ ए से, क्योंकि पॉइंट हमारा क्या है ए, किसके इक्वल हो फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए किसके इक्वल हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स के, मतलब फंक्शन की लिमिट के इक्वल, राइट। अगर फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट दोनों इक्वल हो जाते हैं, देन वी से दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस। एफ एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस, राइट। या मैं यूं कहूं फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है बच्चों, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, इक्वल हो। और फर्दर ये किसके इक्वल हो, वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल, तो हम कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस। तो फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, राइट। क्या कहेंगे, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट तो आपने लास्ट ईयर भी किया हुआ है कि लिमिट्स फाइंड कैसे करते हैं, किया है ना। देखो जरा, पहले आप क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आओ। कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स एक बार जरा रीड करो, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन की डबल डेफिनेशन गिवन है, 2x+3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड दिस इज 2x-3, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2x+3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x-3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन, राइट। इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी, पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी क्या होती है। जो पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, जैसे कि मैं बात करूं इस क्वेश्चन के लिए एक्स इज इक्वल टू 2, क्यों कर रहा हूं मैं एक्स इज इक्वल टू 2 के बारे में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो ये फंक्शन है क्या, एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है हमारा, एफ एक्स की डबल डेफिनेशन गिवन है हमें, एफ एक्स फंक्शन की वैल्यूज क्या है,
एक्स अगर टू या टू से छोटा है, टू या टू से स्मॉलर है, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इन सारे पॉइंट्स पे के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x+3। और इसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं x ग्रेटर देन 2, टू के राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज होंगी पूरी नंबर लाइन पे 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, वो सारी वैल्यूज क्या होंगी, 2 से बड़ी होंगी। तो 2 से ग्रेटर पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x-3। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो ये फंक्शन अपनी वैल्यू 2 पे चेंज कर रहा है, मोटा मोटा समझते हो ना, फंक्शन कहाँ पर चेंज कर रहा है अपनी डेफिनेशन, 2 पे चेंज कर रहा है, 2 पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो 2 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इस फंक्शन को, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, ये थोड़े सोचने वाली बात है, ठीक है। सो 2 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमें कंफ्यूजन है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन बदल गई है। पहले कोई और फंक्शन की डेफिनेशन है, कोई और वैल्यू है 2x+3, वहाँ पर कोई और वैल्यू है, तो दोनों पॉइंट दोनों वैल्यूज की लिमिट 2 पे एक जैसी होगी या नहीं होगी, ठीक है, ये हमें नहीं पता। तो हम इस पॉइंट पे फंक्शन की दोनों लिमिट फाइंड आउट करके देखते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पहले हम इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं 2 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो 2 पे बच्चों किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की दो लिमिट डिफाइन हो सकती है, कौन कौन सी, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। जब एक्स 2 को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, एक्स 2 को कहाँ से अप्रोच करेगा, लेफ्ट हैंड साइड से, तो इस फंक्शन की वैल्यू 2x+3 की वैल्यू किसी एक नंबर को अप्रोच करेंगी, मान लिया वो नंबर क्या है L1, किसी एक नंबर को अप्रोच करेंगी और वो नंबर क्या है L1। जब एक्स 2 को अप्रोच करेगा राइट हैंड साइड से, एक्स 2 को कहाँ से अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से, तब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 2x। तो इस 2x की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अप्रोच करेगी, मान लो वो पॉइंट क्या है L1। सो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है L1, और इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट क्या है L2, करेक्ट। और बच्चों जब दोनों लिमिट इक्वल होंगी, यानी कि L1 और L2 इक्वल होंगी, देन वी विल सी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट, राइट। एंड इसके साथ साथ हम इस फंक्शन की वैल्यू देखेंगे 2 पे, इस फंक्शन की वैल्यू देखेंगे कहाँ पर, 2 पे, ठीक है, वो वैल्यू भी इन्हीं लिमिट्स के इक्वल आएगी, इन्हीं लिमिट्स के इक्वल आई तो हम कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है कहाँ पर, 2 पे। अगर इनमें से कोई एक भी डिफरेंट आ जाता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, करेक्ट। सो पहले तो बच्चों हम 2 पे लिमिट फाइंड करते हैं, 2 पे लिमिट फाइंड करना है। अब जैसे कि मैंने बताया कि 2 पे तो फंक्शन की दो लिमिट हो सकती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू, देखो हम 2 पे फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स, इस जो लिमिट पॉइंट है आपका 2, इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, कहाँ से अप्रोच करेगा, लेफ्ट हैंड साइड से। और लेफ्ट हैंड साइड को डिनोट करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक नेगेटिव साइन, इसका मतलब है कि एक्स इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। एक्स 2 को कहाँ से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, कहाँ से कर रहा है, ठीक है। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, एक्स अगर 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1.9, 1.95, 1.999, ऐसे एक्स की वैल्यूज ऐसी कुछ होंगी, यानी कि ये एक्स की वैल्यूज हैं और ये वैल्यूज आप देखो 2 से कम है, क्या है, 2 से कम है। मतलब कहने का ये हुआ, जब भी किसी नंबर को कोई पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता है तो उसकी वैल्यू उस नंबर से छोटी होती है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है, राइट। और बच्चों एक्स की वैल्यू अगर 2 से छोटी है तो फंक्शन की डेफिनेशन को देखो, एक्स अगर 2 से छोटा है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 2x+3। तो यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी होती है जिसको हम क्या लिखेंगे, 2x+3।
टू एक्स प्लस, सॉरी समझ आया आपको? अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो x की वैल्यू 2 से स्मॉलर होगी, और फंक्शन की वैल्यू अगर 2 से स्मॉलर है, x की वैल्यू सॉरी 2 से स्मॉलर है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2x प्लस 3, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद बच्चों, जैसे हम लिमिट फाइंड करते थे वैसे ही लिमिट फाइंड करना है। अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है तब तो इसके सॉल्यूशन के तरीके कुछ अलग होते हैं। अगर उनमें से कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बनाए, यानी कि जैसे 0.0 नहीं बनाए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं बनाया, 1 to the power इन्फिनिटी नहीं बनाया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनाई यहाँ पर फंक्शन ने, तो आप डायरेक्ट ये जो लिमिट पॉइंट है इसमें x के जगह डाल सकते हो, डाल के आप लिमिट फाइंड कर सकते हो। इस फंक्शन की लिमिट कितनी आएगी भाई? 4 plus 3 7, ठीक है। इस फंक्शन की लिमिट क्या आएगी? 7। इसी टाइप से तो इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? 7 होगी। अब अगर आप इसके राइट हैंड लिमिट देखना चाहो तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2x माइनस 3 आएगा x को। अब देखो x 2 को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, कहां पर? अच्छा, अरमान सर अपनी आवाज बुलंद करो। x 2 को अप्रोच कर रहा है, x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो x 2 से बड़ा होगा, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 2x plus 3। x अगर 2x x से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2x minus 3। सॉरी, अब वही अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनाता है तो इसमें आप x से जगह क्या डाल देंगे? 2 डाल देंगे, जो भी लिमिट पॉइंट हो। 2 into 2 minus 3, 4 minus 3 1 आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन की क्या है? अनइक्वल है ना? तो हम क्या कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, समझ आया? एफ एक्स क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। यहां पर आपको एक छोटा सा काम और करना है, आपको दो केस और डिस्कस करने हैं, ठीक है। जैसे 2 से लेस फॉर एक्स लेस देन 2, 2 से लेस पॉइंट्स के लिए एक्स लेस, मैं इकट्ठा ही कर देता हूं, फॉर एक्स लेस देन 2 एंड एक्स ग्रेटर देन 2, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक जगह तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 2x plus 3, और एक जगह एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स की वैल्यू है 2x minus 3। सो आप क्या करेंगे? देखो बच्चों, एक अभी मैं एक डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ आपको कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं एवरी ईयर, पॉलिनोमियल फंक्शंस एवरी ईयर कंटिन्यूस होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हर पॉइंट पर कंटिन्यूस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफ एक्स की जो ये वैल्यू है 2x plus 3, ये एक पॉलिनोमियल है। आप पॉलिनोमियल पढ़ के आए 9th 10th में, और 2x minus 3 है वो भी क्या है? पॉलिनोमियल है, दोनों ही पॉलिनोमियल है। सो फॉर एक्स लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 2,
एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल। एफ एक्स क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल है, ठीक है। एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? ऑलवेज कंटिन्यूअस, हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। तो फिर हमारा एफ एक्स भी क्या होगा? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, सो फिर हमारा फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि पॉलिनोमियल है। तो बच्चों देखो, फॉर स्मॉलर देन टू एंड फॉर ग्रेटर देन टू, ये पूरा फंक्शन क्या है? मतलब टू से लेस वैल्यूज के लिए एंड टू से ग्रेटर वैल्यूज के लिए ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। सिर्फ अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो कहाँ पर नहीं है? टू पे नहीं है। सो ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस फंक्शन का सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और वो क्या है? टू। सो एफ एक्स हैज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। एफ एक्स का सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एफ एक्स हैज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन और करते हैं हम। ये क्वेश्चन भी बहुत ही उम्दा है, राइट? अब तो ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन वन, इफ एक्स इज लेस देन वन। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन वन, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताओ जरा। देखो बच्चों, ये फंक्शन अपनी जो डेफिनेशन चेंज कर रहा है वो कहां पर चेंज कर रहा है? वन पे। वन से पहले फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एक्स प्लस वन। और वन के बाद फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस वन। और वन पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कौन बताएगा? बच्चों यहां पर देखा करो, इक्वल टू कहां लगा हुआ है? एक्स वन के इक्वल कहां पर है? ये इसमें, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वन पे? एक्स प्लस वन। तो वन वाली जगह पे आप डॉट लगा के इसको ज्वाइन कर दो और इस वाले के साथ ओपन कर दो, ठीक है। सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, ग्रेटर देन वन ये मैंने लिख भी उल्टा दिया। यहाँ पर एक्स प्लस वन नहीं आएगा। एक्स अगर वन से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस वन, और डॉट यहाँ पर आएगा, यहाँ ऊपर सर्कल आएगा। और एक्स अगर वन से छोटा है तो इसकी वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस वन। देख रहे हैं आप? सो एट एक्स इज इक्वल टू वन हम लिमिट फाइंड करते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट होगी भाई हमारी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स सॉरी वन पे फाइंड कर रहे हैं तो एक्स टेंडिंग टू वन लिखोगे। अब एक्स वन को अप्रोच करेगा कहाँ से? लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट साइड से। तो एक्स क्या होगा? वन से स्मॉलर। एक्स अगर वन से स्मॉलर है तो फंक्शन की वैल्यू होगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वैल्यू। एक्स अगर वन से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब क्योंकि इसमें कोई अनडिफाइंड होने की जैसी बात नहीं है या अनडिटरमिनेट फॉर्म होने की बात नहीं है, तो हम एक्स को डायरेक्टली यहाँ पर डाल देते हैं एक्स के जगह लिमिट पॉइंट को डाल देते हैं, ऐसे ही लिमिट फाइंड की जाती है। तो ये कितना आ गया? सो बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई टू। एंड अगर राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी हो तो विष्णु बताओ, आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी हो तो कहाँ पर फाइंड कर रहे हैं? वन पे ही फाइंड कर रहे हैं। अरमान, वन पे अगर राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो कौन से डेफिनेशन यूज होगी? देखो राइट हैंड लिमिट में एक्स वन को कहाँ से अप्रोच करेगा? राइट हैंड साइड से। एक्स वन को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा। एक्स की जो वैल्यूज होगी एक्स वन के राइट हैंड साइड में होंगी, और वन के राइट हैंड साइड में क्या होते हैं? वन से बड़े नंबर।
मतलब x क्या है, 1 से बड़ा। x अगर 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस वन। उसके बाद ये लिमिट पॉइंट यहाँ पर आप डाल देंगे, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई यहाँ से, राइट हैंड लिमिट के इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट के इक्वल। ठीक है, इसको तो अभी फिर नहीं छेड़ते। अब हम क्या करते हैं, वन के ऊपर फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स अगर वन के इक्वल है, अभी फंक्शन कितना है, एक्स प्लस वन। और एक्स के जगह आपको क्या डालना है, एक्स के जगह आपको क्या डालना है, ये वैल्यू। तो यहाँ एक्स के जगह आप डालेंगे ये वैल्यू, तो एक्स के जगह क्या हो जाएगा, वन प्लस में वन, ये भी टू। देखो, देखा आपने। अब देखो इसमें तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई हैं, तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई हैं, तो आप लिख सकते हो अवनी, क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट वन। ठीक है, और बच्चों जब कभी भी ये तीनों इक्वल हो तो हम क्या कहते हैं, लिमिट तो बच्चों फर्स्ट टू पॉइंट से ही एग्जिस्ट हो जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट से और राइट हैंड लिमिट से। और अगर ये फर्दर किसके इक्वल आ जाता है, एफ वन के इक्वल आ जाता है, तो हम कहेंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन। फंक्शन वन पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन वन पे कंटिन्यूस है, फंक्शन वन पे क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, फंक्शन वन पे कैसा है, फंक्शन है कंटिन्यूअस है। फिर आप एक्स लेस देन वन एंड एक्स ग्रेटर देन वन, इन दोनों के लिए फंक्शन कैसा है, एक्स प्लस वन एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, दोनों पॉलिनोमियल है। ठीक है, और एक्स ग्रेटर देन वन एंड दिस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, ये लाइन आपको सभी में दिखने, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, hence it is continuous, hence it is continuous, क्योंकि polynomial function हर जगह point continuous है। ठीक है, so एक बात बताओ मुझे, क्या कोई ऐसा point आया जहाँ पर ये function continuous नहीं है, कोई भी point ऐसा नहीं है, therefore no point of discontinuity, no point of discontinuity, या लिखो fx is continuous everywhere। उन्होंने ये पूछा है ना, discuss करो continuity, so fx is continuous, fx is continuous everywhere लिखो, for all x belonging to R लिखो, एक ही बात है, हर रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, करेक्ट, फॉर एक्स ग्रेटर देन वन। करके दिखाओ जरा, क्या करोगे आप, अपना करो मैं अपना करता हूं, देखना नहीं है, तो वैसे तो यहाँ हम पहले ही देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन, वन पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है।
एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 9, देखो जरा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, ओके, इफ एक्स इज लेस देन 0, माइनस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो जरा बच्चों, एट एक्स इज इक्वल टू 0 इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करो। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, हम क्योंकि ये फंक्शन 0 पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है तो हम इसकी कंटिन्यूटी 0 पे डिस्कस कर रहे हैं। मेनली कंटिन्यूटी वहीं डिस्कस करनी होती है हमें जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, ठीक है। देखो जरा लिमिट एक्सटेंडिंग टू दिस, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, x 0 को अप्रोच कर रहा है तो x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू होगी x अपॉन मॉड x। एक बार जरा यहाँ पर ध्यान से सुनो मेरी बात, एक बार जरा ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है कि x 0 को अप्रोच कर रहा है, x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, कौन सी साइड से अप्रोच कर रहा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो x 0 से क्या होगा छोटा, और हम सभी जानते हैं कि x अगर 0 से छोटा हो तो मॉड x की वैल्यू होती है माइनस x, x अगर 0 से छोटा हो तो मोड x की वैल्यू क्या होती है माइनस x, तो यहां पर हम x मोड x के जगह क्या लिखेंगे माइनस x। अगर आपका x 0 से छोटा हो, x देखो क्या है माइनस 3, x अगर 0 से छोटा हो तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है नेगेटिव ऑफ द x, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए ओवरऑल, ठीक है। माइनस 3 का मोड क्या होता है माइनस ऑफ माइनस 3, ताकि वो क्या बन जाए पॉजिटिव, क्योंकि मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट right? तो ये दोनों कट हो गए और क्या आ गया हमारे पास माइनस वन, राइट। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस वन जीरो, हैं, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू देखो, एक्स क्या है 0, 0 को अप्रोच करेगा राइट हैंड साइड से तो एक्स 0 से क्या होगा बड़ा माइनस वन, तो कितना आएगा माइनस वन। सो यहाँ पर मिली लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है माइनस वन, और राइट हैंड लिमिट भी क्या है माइनस वन, इसलिए हम फंक्शन की वैल्यू भी चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0, इसकी जगह है ना, एट एक्स इज इक्वल टू सामने वाले रूम में, एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है भाई, देखो ध्यान से, x अगर 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है माइनस वन, राइट right? तो देखो तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई, सो फंक्शन तो कंटिन्यूस हो गया, इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल हाँ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन, फंक्शन वन के ऊपर क्या होगा सॉरी हमने कहा जीरो पे किया है जीरो लिखो, सो गया है जाग रहा फिर वो सो गया अच्छे ठीक है भाई, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया जीरो पे, फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया जीरो पे, अगर जीरो पे कंटिन्यूस अगर अच्छा अगर जीरो से अलग डिस्कस करें तो इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 या 0 से लेस एंड 0 से ग्रेटर, एक्स लेस देन 0 का केस देखो, बताओ वहां से मुझे 0 से लेस एक्स अपॉन एफ एक्स कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, एक्स अपॉन मॉड एक्स, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो एक्स अपॉन माइनस एक्स, क्योंकि मॉड एक्स क्या होगा माइनस एक्स ही होगा एक्स जीरो से स्मॉलर वैल्यूज के लिए, ये यहाँ से कट हो गया माइनस वन आ गया, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या है ऑलरेडी, अच्छा वो अलग से डिस्कस करना पड़ेगा, हाँ एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन है, तो दोनों ही पॉइंट्स के लिए एफ एक्स क्या है माइनस वन एंड वन कॉन्स्टेंट है, एज एफ एक्स इज कंटिन्यूस
sorry, fx is constant function. Sir, constant. हाँ. ये माइनस वन था, माइनस वन आया, दोनों माइनस. तो माइनस वन और वन कैसी वैल्यूज हैं? कांस्टेंट वैल्यूज हैं, राइट? और कांस्टेंट फंक्शन बच्चों हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं. ओके, ठीक है. तो क्या लिखोगे? एज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस. एफ एक्स कैसा है? कंटिन्यूअस है. fx कैसा हुआ? कंटिन्यूस. fx कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है, इसलिए fx कंटिन्यूस होगा. तो जीरो पे हमने डिस्कस किया, जीरो पे भी कंटिन्यूस है फंक्शन, जीरो से लेस वाले पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूस है, जीरो से ग्रेटर वाले पॉइंट पे भी कंटिन्यूस है. तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस. सो fx इज कंटिन्यूस एवरीवेयर या फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R. मतलब हर रियल नंबर के लिए फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस है. एवरीवेयर से अच्छा लग रहा है. क्वेश्चन कौन सा है ये हमारा? एट्थ क्वेश्चन है. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, सॉरी मॉड x अपॉन x, सेम बिल्कुल वही पहले जैसा ही क्वेश्चन है. मॉड x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो. देखो जरा इस क्वेश्चन को, फिर मैं यही करता हूं. ग्यारहवीं के बच्चे हैं सर आपके? हाँ है ना. तीन चार एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, उस टाइम आएगा भाई लेफ्ट हैंड लिमिट. आज है नहीं ना बैच. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो इधर. लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, तो एक्स क्या होगा? जीरो से छोटा होगा. एक्स अगर जीरो से छोटा होगा तो कितना होगा बताओ जरा? मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स. क्यों? एक्स अगर जीरो से छोटा है तो मैंने ये वाली वैल्यू क्यों ली? क्योंकि देखो बच्चों, एक्स अगर जीरो से छोटा है तो एक्स जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है. और एक्स अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? मॉड एक्स अपॉन एक्स. राइट, समझ आया आपको? ठीक है. अब आप इसको क्या लिख सकते हो? अब आप इसको लिख सकते हो मॉड एक्स, क्योंकि एक्स जीरो से छोटा है तो मॉड एक्स को आप एक्स लिख सकते हो. अपॉन में भी क्या है? मॉड एक्स को माइनस एक्स लिख सकते हो. अपॉन में एक्स है, दोनों कट हो जाएंगे, माइनस वन आएगा. और कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट कांस्टेंट नंबर ही होती है. अब आप देखो आरएचएल, आरएचएल में आप क्या करेंगे? एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, एक्स जीरो को अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो एक्स जीरो से बड़ा होगा. एक्स जीरो से बड़ा होगा यानी कि फिर से एक्स जीरो के इक्वल नहीं है, सो मॉड एक्स अपॉन एक्स. लेकिन इस केस में x 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, मतलब x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, x क्या 0 से बड़ा, तो क्या आ गया? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, तो मॉड x की जगह x और नीचे x क्या आ गया? 1. तो इसमें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आए ही नहीं, तो ये फंक्शन तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही. इस फंक्शन की लिमिट ने एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं होगा. इम्प्लाइज एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस. लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है. इम्प्लाइज एफ एक्स क्या नहीं है? एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो. जीरो पे ये फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूस है. थर्टींथ क्वेश्चन देखो, बस इस थर्टींथ के बाद छुट्टी. एफ एक्स इज इक्वल टू, आधा टाइम तो तुमने हंसी मजाक में निकाल दिया, x प्लस फाइव इफ x इज लेस देन इक्वल टू वन. ठीक है, अब इतना एंटरटेन किया है यार, एंटरटेनमेंट हुआ है तो थोड़ी देर तो पढ़ाऊंगा ना एक्स्ट्रा, कीमत तो वसूलनी पड़ेगी. देखो बच्चों, नहीं ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया शायद. सही है सर, मेरे को अच्छा लग रहा है. चलो फिर करके दिखाओ. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिख दिया. एट एक्स इज इक्वल टू वन, सो बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस, एक्स अगर वन से छोटा है तो क्या आएगी वैल्यू? एक्स प्लस फाइव. तो एक्स को वन डालेंगे तो वन प्लस फाइव क्या वैल्यू आ गई? सिक्स. अब ये तो मैं काफी समझा चुका हूं तुम्हें कब कौन सी वैल्यू लेनी है,
आई थिंक तुम्हें आइडिया हो ही जाएगा। एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस, और अगर नहीं होता है तो फिर दिमाग लगाओ, पिछले वाले क्वेश्चन पे क्या बोला था उसको दोबारा सोचो, दिमाग में दोबारा रोटेशन लेके आओ, ठीक है? नहीं तो वहां जाके एक बार दोबारा सुनो फिर। एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस, एक्स अगर वन से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस फाइव। एक्स को क्या डालेंगे? वन। वन माइनस फाइव कितना आंसर आया? वन माइनस फाइव कितना आंसर आया? माइनस फोर, ठीक है? ठीक है, माइनस फाइव, एक्स अप्रोचेस टू माइनस फोर, सॉरी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इंप्लाइज फंक्शन कैसा है? एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन, वन पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और अगर हम ग्रेटर देन वन और लेस देन वन की बात करें तो भाई पॉलिनोमियल है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो एक लाइन वो हर क्वेश्चन में ऐड कर देंगे कि सिंस एफ एक्स इज फॉर एक्स ग्रेटर देन एंड लेस देन वन, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, हेंस इट इज कंटिन्यूअस, करेक्ट?